हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे टॉपिक इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। माय नेम इज चंद्रदेव बर्नवाल, बीटेक पास आउट, एनआईटी दुर्गापुर, एक्स फैकल्टी ऑफ फेसिंग विजन क्लासेस। यहाँ पे बेटा देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होता है बेटा। यानी रेडियस क्या होता है? रेडियस होता है कि टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है, बिकॉज नंबर ऑफ सेल क्या होता है बेटा, उसमें इंक्रीज होता है। और लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो रेडियस क्या होता है बेटा, डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट रहता है, उसमें इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इधर साइड क्या होता है बेटा, इंक्रीज करता है, और इधर साइड क्या होता है बेटा, डिक्रीज करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा जो पीरियोडिक टेबल में याद रखने का चीज है वो है हे ली ना। उसके बाद है बेटा बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। उसके बाद जरूरत पड़ता है सोडियम के बाद मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, और नेक्स्ट है बेटा आयोडीन। नेक्स्ट क्या है बेटा? आयोडीन। नेक्स्ट क्या है बेटा? आयोडीन। तो मुझे इतना ही इलेमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिव का जरूरत पड़ता है पूरे पीरियोडिक टेबल में याद रखने के लिए। तो यहाँ याद रखने वाली चीज क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव इधर से इधर इंक्रीज करता है, क्योंकि रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। रेडियस क्या होता है? डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है, और रेडियस इधर से इधर क्या होता है? डिक्रीज करता है। तो यहाँ पे जब रेडियस इधर से इधर डिक्रीज करेगा तो इधर से लेफ्ट टू राइट जाने पे बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होगा? इंक्रीज करेगा। तो सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है बेटा वो कितना होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में? वो है फ्लोरीन। कितना होता है बेटा? 4। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब क्या करो तुम, जब उधर से इधर आओ तो 0.5 माइनस कर दो। 0.5 माइनस करोगे तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या बन जाएगा बेटा? 3.5। नाइट्रोजन बेटा हो जाएगा 3। कार्बन हो जाएगा बेटा 2.5। बोरोन हो जाएगा 2। बेरिलियम हो जाएगा 1.5। और लिथियम हो जाएगा बेटा 1। और हाइड्रोजन जो होता है वो 2.1 होता है। अब इसको याद रखने के लिए और एटम को जरूरत है, तो जो पहला ट्रिक होता है वो होता है बेटा एचपी। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव फास्फोरस से सेम होगा। एचपी मतलब हिंदुस्तान पेट्रोलियम। हम लोग तो जानते ही है एचपी। जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वही बेटा फास्फोरस का होने वाला। तो हाइड्रोजन कितना है बेटा? 2.1। तो फास्फोरस भी क्या होगा बेटा? 2.1। अब नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट होता है नकल। जिसको कम अकल होता है वही तो बेटा नकल करता है। तो नकल में यहां क्या आने वाला है? जितना नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ही क्लोरीन का होने वाला है। उसके बाद होता है बेटा, उसके बाद होता है बिल्ला। बिल्ला कहने का मतलब है जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव बेरिलियम का होगा उतना ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एल्युमिनियम का होने वाला है। बिल्ला मतलब अग्निपथ मूवी देखे होगे, उसमें जो संजय दत्त कांचा का रोल करता है, या शिवाजी द बॉस, उसमें शिवाजी जो होता है उसमें कांचा का रोल करता है रजनीकांत। तो बिल्ला का मतलब क्या हो गया? जितना बेरिलियम का इलेक्ट्रोनेगेटिव है बेटा उतना ही किसका होने वाला है? एल्युमिनियम का। तो यहाँ एल्युमिनियम क्या हो जाएगा बेटा? 1.5। उसके बाद होता है बेटा कसाई, CSI। कसाई का मतलब जितना कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव होने वाला है उतना ही सल्फर का होगा और उतना ही आयोडीन का होगा। तो कार्बन कितना है बेटा? 2.5। तो सल्फर क्या हो जाएगा बेटा? 2.5।
और आयोडीन भी क्या हो जाएगा बेटा 2.5, आयोडीन भी क्या हो जाएगा बेटा 2.5, और वो जो बेरिलियम है मतलब क्या बोलते हो बोरिन है, यहाँ पे भी का क्या हो जाएगा 2.8 होता है। उसके बाद क्या करेंगे, इधर से इधर जाएंगे तो -0.3 कर दो। जब -0.3 करोगे तो इसका सिलिकॉन का इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या हो जाएगा बेटा 1.8, मैग्नीशियम का क्या हो जाएगा बेटा 1.2, और सोडियम का क्या हो जाएगा बेटा 0.9। मुझे इतना ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पूरे पीरियोडिक टेबल में जरूरत होता है, ठीक है बेटा। और इसे इजी तरीका नहीं है जो पूरे पीरियोडिक टेबल को कंप्लीट कर दे। ओके बेटा, लाइक एंड सब्सक्राइब MSKBM इंस्टीट्यूट एंड शेयर द मोर स्टूडेंट। ओके बेटा, बाय।